हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो रिक्वेस्ट वीडियो है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नाखूनों को मुंह से चबाने की आदत को छोड़ने के कुछ तरीके, जिन्हें आप रोजाना फॉलो करेंगे तो इस आदत से जरूर छुटकारा पा सकेंगे। देखिए दोस्तों, नाखूनों को चबाने की आदत जो है बहुत ही ज़्यादा बुरी है, गलत है, क्योंकि हमारे हाथों के मुकाबले हमारे नाखूनों पर ज़्यादा गंदगी और बैक्टीरिया होती है, जो हमारे मुंह के जरिए हमारे पेट में जाती है और तरह तरह की बीमारियां जो है उत्पन्न करती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि जिन्हें भी यही आदत है, अगर वो खुद चाहते हैं, खुद उनकी इच्छा है इस आदत को छोड़ने की, वह मानते हैं कि हमारी जो आदत है वो गलत है, गंदी है और हमें छोड़नी है, तभी ये वीडियो आपके लिए काम की है। क्योंकि जो तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ, वह तरीके सिर्फ वही अपना सकते हैं जिनकी इच्छा है इस आदत को छोड़ने की। सबसे पहला तरीका दोस्तों, आपको निर्णय लेना होगा कि मैं कुछ दिन नेल वाइटिंग नहीं करूंगा, मतलब नाखूनों को नहीं चबाऊंगा। शुरुआत में आप एक दिन मानकर चलिए कि मैं पूरा दिन जो है नेल वाइटिंग नहीं करूंगा। जैसे तैसे करके पूरा दिन निकल जाएगा अगर आपने कठोर निर्णय लिया होगा तभी। और उसके बाद 2 दिन का निर्णय लें, 3 दिन का, हफ्ते का, 15 दिन का, ऐसे धीरे धीरे करके आप इस आदत से छुटकारा पा सकेंगे। क्योंकि कोई भी आदत है, कोई भी बुरी लत है, वो एकदम से नहीं छूटती, वो धीरे धीरे ही छूटती है अगर खुद इच्छा शक्ति हो उस बंदे की तभी। इसके अलावा आप अपने पास दोस्तों मिंट या फिर चुनमुन रख सकते हैं फ्री टाइम में चबाने के लिए, क्योंकि इंसान जब बिजी होता है किसी काम में तब वो नेल वाइटिंग नहीं करता है, लगभग जब फ्री हो जाते हैं तभी नेल वाइटिंग करता है जब जिसको भी इसकी आदत हो। तो जब भी आप काम से फ्री हो तब आप मिंट या फिर चुनमुन चबा सकते हैं। इसकी वजह से आपका मुँह जो है, दांत जो है, चुनमुन चबाने में बिजी होंगे और आप नेल वाइटिंग नहीं करेंगे तो आप कुछ दिन इसकी आदत पा सकते हैं मिंट या फिर चुनमुन चबाने की, तो आप नेल वाइटिंग की आदत को छोड़ पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इसके अलावा आप अपने पास ड्राई फ्रूट रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट वैसे भी सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद है सेहत के लिए, तो आप जब भी फ्री हो तो आप ड्राई फ्रूट खाइए। इसकी वजह से भी आपका मुंह जो है, दांत जो है, वो बिजी होंगे ड्राई फ्रूट खाने के लिए और आप नेल वाइटिंग नहीं करेंगे। दूसरा तरीका है दोस्तों कि नाखूनों को किसी कड़वी चीज़ में डुबोकर रखें कुछ देर के लिए, जैसे कि करेले का जूस हो गया, नीम के पत्तों का जूस हो गया, और एक बूटी भी आती है कोड़े तुम्बे की, अगर आपके आसपास ये मिल जाए तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर रहेगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है उसका फल। तो कुछ देर के लिए कड़वी चीज़ में अपने नाखून जो है वो डुबो कर रखें, ताकि जो वो कड़वापन है उस चीज़ का वो आपके हाथों पर जो है नाखूनों पर पूरा दिन रहेगा, और जब भी आप नाखूनों को मुंह में डालने की कोशिश करेंगे तो कड़वेपन की वजह से आप नेल वाइटिंग नहीं करेंगे। ये तभी मुमकिन है अगर आप खुद चाहेंगे, खुद की इच्छा होगी कि हाँ मुझे छोड़ना है इस आदत को। तीसरा तरीका है दोस्तों, नेल पॉलिश। जी हाँ, मार्केट में एक बहुत ही कड़वे टेस्ट की नेल पॉलिश मिलती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब उसका कोई भी कलर नहीं होता, जो कि लड़के और लड़कियां आसानी से अपने नाखूनों पर लगा सकते हैं। उसका टेस्ट इतना कड़वा होता है कि जब भी आप मुंह में डालेंगे नाखूनों को तब उसके कड़वे टेस्ट के कारण आप नेल वाइटिंग नहीं करेंगे। तो ये भी एक तरीका है दोस्तों नेल वाइटिंग की आदत को छोड़ने का। तो मैं फिर से कहना चाहूँगी दोस्तों, जिन्हें भी यह आदत है अगर वो खुद चाहेंगे, खुद उनकी इच्छा होगी तभी इन तरीकों को वो अपना पाएंगे। और मैं पूरी उम्मीद करूँगी कि ये वीडियो जो है आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि ऐसे ही नुस्खों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।